नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी यादव और आइए बढ़ते हैं आज की स्पीड न्यूज की ओर। उत्तराखंड से पर्यवेक्षक के रूप में आए मथुरा प्रसाद जोशी ने पुनासा के कार्यकर्ताओं की बैठक में कही कई बातें। हमें हमारे कोटे के 6.5 लाख मेट्रिक टन यूरिया ना देते हुए मात्र 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया ही दिया गया है। किसान के हित में सोचना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस जीतने के बाद सभी पूरे करेंगी। कोतवाली के पास स्थित होटल आनंद पैलेस में मिला शिक्षक का शव। पुलिस सेनाक में युवक नरेंद्र दोहरे भिंड निवासी होकर बड़वानी जिले के राजपुर में थे पदस्थ। मृत शिक्षक के पास मिला सुसाइड नोट। पत्नी के अत्याचार से आहत होकर सल्फास की गोली खाकर की आत्महत्या। शिक्षक की पत्नी जिला अस्पताल में है। नर्स सुसाइड नोट में लिखा, बेटे व बेटी को मेरी संपत्ति का हिस्सा दिया जाए, पत्नी को नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के धरने को लेकर अलीराजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने दी शिवराज सिंह चौहान को नसीहत। कहा, क्या मुंह लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? अगर हिम्मत है तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यूरिया की मांग को लेकर नरेंद्र मोदी के सामने धरना प्रदर्शन करें। बुजुर्ग ठेकेदार के साथ हुई 40,000 की ठगी। बदमाश ने बुजुर्ग को एक्सीडेंट का बोलकर रास्ते में रोका। द्वारकापुरी से रेती मंडी चौराहे के बीच की घटना। दो थाने के प्रभारी पहुंचे मौके पर। मामले की जा रही है जांच। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत उज्जैन के जिला अस्पताल में सुबह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिविर का किया आयोजन। दिव्यांगों की जांच करने के लिए दिल्ली से लोकेश पाल और कानपुर से नितिन चौहान ने ग्रामीण और शहरों से आए दिव्यांगों की जांच। किसानों की मांग, पर्याप्त यूरिया दे सरकार। नकली खाद बीज बेचने वालों पर भी की जाए कार्रवाई। यूरिया की उपलब्धता तय करें, उसकी कालाबाजारी पर लगाएं रोक। इन्हीं मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर सौंपा गया ज्ञापन। गौसलपुर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक की गोली मारकर हत्या करने वाले दो प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में एक आरोपी अंचल नामदेव को किया जा चुका था गिरफ्तार। कई अन्य खुलासे होने की जताई जा रही है उम्मीद। जबलपुर PHQ के निर्देश अनुसार पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में NDPS एक्ट के प्रकरणों की विवेचना के संबंध में कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें सभी शहरी और ग्रामीण थानों से थाना प्रभारी सहित राजपत्रित अधिकारियों को इस शाला में किया आमंत्रित। फिल्म पानीपत को लेकर विरोध हुआ शुरू। बुधवार को जाट समाज समिति द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर फिल्म प्रदर्शन के खिलाफ नारेबाजी कर डिप्टी कलेक्टर DS तोमर को कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। वहीं विवादित दृश्य व सिनेमा घरों से पिक्चर को बंद करने की जा रही है मांग। देश की कमलनाथ सरकार की सुस्ती का असर अब अधिकारियों में भी होने लगा है। एक और प्रदेश की कमलनाथ सरकार से वादे और दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी और आला अधिकारी योजनाओं को लगा रहे हैं पलीता।